हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। हरियाणा डिपार्टमेंट से, जो रोडवेज का डिपार्टमेंट है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि हरियाणा रोडवेज एक साल में कितनी कमाई करती है, कितनी बसें चलती है, इस टाइप के क्वेश्चन है। कौन संभालता है हरियाणा रोडवेज के डिपार्टमेंट को, हरियाणा रोडवेज के परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, बस इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कंडक्टर के एग्जाम में आपसे आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप बिना स्किप के वीडियो लास्ट तक देख लीजिए यदि आप इससे रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों, यहां दबाकर सब्सक्राइब करो आपके चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाए आपकी फेवरेट वीडियो सबसे पहले। नॉलेज टीवी देसी ताऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राधेश स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। तो कैसे हो आप सभी? तो पहला प्रश्न आपके पास, हरियाणा में पहला बस डिपो कब और कहां खुला था? तो ये अम्बाड़ा में ओपन हुआ था सबसे पहले 7 सितंबर 1950 को। इसका है हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये गुड़गांव में ओपन किया गया 27 नवंबर 1987 को। अब गुड़गांव को गुरुग्राम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज राज्य परिवहन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा रोडवेज राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने प्रकार की बस है? तो 4 प्रकार की बसें चलती है हरियाणा में, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय, सारथी, हरियाणा शक्ति। और जो सारथी है उसको हम वोल्वो बस के नाम से जानते हैं आजकल। अगला प्रश्न है, आम आदमी की खास बस कौन सी है? तो उत्तर है हरियाणा गौरव। जो हरियाणा गौरव है हरियाणा रोडवेज की, वो आम आदमी की खास बस मानी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा उदय कैसी बस है, यानी कि सीएनजी है या पेट्रोल है? तो जो हरियाणा उदय है वो सीएनजी बस है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? तो जो कंडक्टर का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए। तो जो परिवहन मंत्री है वो कृष्ण लाल पवार है। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज में बिना टिकट यात्री से कितना किराया वसूल किया जाता है? तो उत्तर है 10 गुना या 500 रुपए, इनमें से जो भी ज्यादा होता है वो किराया वसूल किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज का कार्यभार कौन संभालता है? तो ये संभालता है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल स्टेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने बस डिपो हैं और कितने सब डिपो हैं? तो 24 बस डिपो है हरियाणा में और 13 सब डिपो है। अगला प्रश्न है, हरियाणा परिवहन की स्थापना किस एक्ट के अनुसार की गई थी? तो ये है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 213 से इस एक्ट के अनुसार हरियाणा परिवहन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट हरियाणा कौन है? चीफ सेक्रेटरी कौन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हरियाणा के? वो है एसएस ढिल्लो। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य परिवहन के निर्देशक कौन है? तो जो निर्देशक है वो अनीता यादव है हरियाणा राज्य परिवहन की। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज में कितनी बस है इस टाइम पे? तो 4,234 बसें इस टाइम पे हरियाणा रोडवेज में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज में कुल कितना स्टाफ है? तो 17,482 इस टाइम पर कर्मचारी हरियाणा रोडवेज में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज में कुल कितने बस स्टैंड है? तो हरियाणा रोडवेज के कुल अभी 100 बस स्टैंड बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज में कितने ट्रेनिंग स्कूल है? तो इस टाइम पे 20 ट्रेनिंग स्कूल हरियाणा रोडवेज चला रहा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा रोडवेज में सेंट्रल वर्कशॉप कितनी है? तो सेंट्रल वर्कशॉप 3 है हरियाणा में। हरियाणा रोडवेज में बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप कितनी है? तो बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक ही वर्कशॉप है हरियाणा में।
हरियाणा रोडवेज विभाग का एनुअल टर्नओवर कितना है? तो वो है 1,77,392 लाख। हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट का टर्नओवर है इतना। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट या लाइक करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो आप आगे चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक गोल सर्कल दिखाई दे रहा होगा जिस पर नॉलेज टीवी देसी ताऊ लिखा हुआ है, वहां पर एक क्लिक करते ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।